हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू इन्फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जो है मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या फिर आपने नीट दे चुके हैं, आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, यानी आप MBBS या BAMS या फिर BHMS या इस तरीके का कोई भी मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, ऑनलाइन फॉर्म के अलावा आप प्रीफरेंस किस तरीके से आपको सिलेक्ट करने हैं, स्टेट गवर्नमेंट के किस तरीके से जो है ऑप्शंस आपको डालने हैं, वो सारी चीज़ें डालने के लिए किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यहाँ पे मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, पूरा गाइड करूंगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट नोट आपको बताना चलूँ, क्या आपका स्कोर कम है और आप जो है स्टेट कोटा में भी अगर एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें, वहां से आपको जो है इंडिया और इंडिया के बाहर भी अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो उसकी पूरी गाइडेंस दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेफरेंसेस फॉर्म के लिए, यानी प्रेफरेंस फॉर्म डालना है आपको MBBS के लिए, BAMS के लिए या फिर किसी भी कोर्स के लिए। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर आपको जो है कोई भी मेडिकल कोर्स करना है, MBBS, BDS, BAMS या अदर जो है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया BHMS, BUMS, BPATH, BITHO, BASLP, BSc नर्सिंग, इस तरीके के किसी भी कोर्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसा कि ऊपर दिया गया है आई बटन के अंदर में रजिस्ट्रेशन के पूरा एक वीडियो, और आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रेफरेंसेस किस तरीके से अप्लाई करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जब हमको प्रेफरेंसेस अप्लाई करने हैं, हम महाराष्ट्र कोटा के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको जाना है फिश रेगुलेटरी अथॉरिटी महाराष्ट्र स्टेट की इस वेबसाइट के ऊपर में, जहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलेंगी कि कौन से कॉलेज की कितनी फीस है, उसका कोड क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम देखते हैं तो इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाती है। ये URL मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से जाकर आप अपने डिटेल देख पाएंगे। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, HNT, मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल, यानी तीनों चीज़ें की डिटेल वहाँ पर दी गई, यानी इन तीनों में से हमको आज जो बात करने वाले हैं वो हम मेडिकल की, एग्रीकल्चर वगैरह की जो है नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे। तो मेडिकल का कोर्स के अंदर में कोर्सेज दिए जाते हैं, दिखाई देते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पे एग्रीकल्चरल सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उसके एग्रीकल्चर, BSc, नर्सिंग, फिशरी वगैरह दिखेंगे, लेकिन हम मेडिकल की बात कर रहे हैं तो मेडिकल कोर्स पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे जिस भी कोर्स की आपको डिटेल चाहिए, जिस भी कोर्स के बारे में आपको फीस स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूट कोड चाहिए, इंस्टीट्यूट कॉलेज प्राइवेट और गवर्नमेंट कोटा के, तो सारे कॉलेजेस की लिस्ट आपको मिलने वाली है। तो अगर हम बात कर रहे हैं MBBS की, तो MBBS पे हमने क्लिक कर देना है, महाराष्ट्र स्टेट के ऑल डिस्ट्रिक्ट को हमने सेलेक्ट कर देना है और गेट रिपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने गेट रिपोर्ट बटन पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ चुकी है। जैसा कि यहाँ पे आपको 16 कॉलेजेस महाराष्ट्र के अंदर में है, और ये जो कॉलेजेस है इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है कि इतने अंदर में कौन से कॉलेज में कितनी फीस है। मुंबई का ये कॉलेज है, इसकी फीस जो है 1,25,00,000 रुपए दिए गए हैं, यानी सॉरी यहाँ पे गलत मैं बता चुका हूँ, तो आप ध्यान रखें 10,25,000 रुपए यहाँ पे फीस दी गई है। उसके बाद में दूसरा जो कॉलेज है वो भी मुंबई का, ठाणे का है, 70,000 रुपए फीस दी गई है। कॉलेज का कोड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो एक बात ध्यान रखना है, जब कभी हम कोड ऐड करते हैं प्रेफरेंस में तो सिर्फ इतना ही लेना है। MBBS के आगे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है 5001 और उसके आगे हमको लगाना है S। अब हम अगर BDS की बात करते हैं, BDS कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो BDS पे क्लिक कर गेट रिपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने गेट रिपोर्ट बटन पे क्लिक किया तो एक यहाँ पे BDS कॉलेजेस की लिस्ट आ चुकी है। जैसा कि S00001 इस तरीके से कुछ कोर्स है, कोड है उसका, इंस्टीट्यूट का टोटल फीस उसकी यहाँ पे दी गई है, यानी उसकी जो फीस है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से अगर हम BAMS के बारे में बात करते हैं तो BAMS पे आपको क्लिक करना है और गेट रिपोर्ट बटन पे क्लिक कर देना है। गेट रिपोर्ट पे जब हम क्लिक करते हैं BAMS कॉलेजेस की लिस्ट आ चुकी है, जैसा कि S001 इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको कॉलेज की फ़ीस दिखाई दे रही है, कॉलेज के नाम दिखाई दे रहे हैं। पूरी अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सारा टाइम वहाँ पे लग जाएगा, 48 कॉलेजेस है। अब हम बात करते हैं मेन, और वो है CET नीट की वेबसाइट के ऊपर में जाकर हमको ब्राउचर जब हम डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको सारे कॉलेजेस के कोड आपको वहाँ पर दिखाई देने लगे। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा कंट्रोल F करना है और वहाँ पर आपको लिखना है
MBBS और इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में देखिए कॉलेजेस की लिस्ट आपको वहाँ पे दिखाई देने लगेंगी, कॉलेजेस के नाम आपको दिखेंगे जो आपको प्रीफरेंस में डालने हैं। तो एक बार आपको इंटर प्रेस करते जाना है 4 से 5 बार और उसके बाद में देखिए ये MBBS कॉलेजेस की लिस्ट आ चुकी है। MBBS गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे 25 कॉलेजेस है गवर्नमेंट के महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में। प्राइवेट कॉलेज की अगर बात कर लेते हैं तो ये प्राइवेट कॉलेजेस है। अब हम ऊपर से चलते हैं, इंस्टीट्यूट कोड जो दिया गया है 1101 ये कॉलेज का कोड है, 1102 ये कॉलेज का कोड है और कॉलेज का नाम यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिया गया लक्ष्मी लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज ऑफ मुंबई, ये इसका कोड है 1102। इसके आगे आपको एस लगाना है और उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। इसकी जो टोटल जो इनटेक है वो 200 है, यानी इनटेक वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है गवर्नमेंट की। फीस वगैरह जो है नेक्स्ट जो पुरानी वेबसाइट मैंने बताई हूँ उसके अंदर में आप जाकर देख सकते हैं फीस की डिटेल। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर में ये देखिए प्राइवेट कॉलेजेस जो स्टार्ट होते 26 से लेकर 24 तक के है। BDS कॉलेजेस के अंदर में BDS कॉलेज सिर्फ और सिर्फ 4 ही कॉलेज है महाराष्ट्र में और BDS के प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद में BAMS की अगर बात करते हैं तो ये देखिए BAMS का कॉलेज कोड दिया गया है यहाँ पे, उसका कोटा दिया गया 125 सीटें इसके अंदर में अवेलेबल है। मुंबई का कॉलेज है, अगर हम जहाँ कहीं भी जाना चाहते हैं वो कॉलेज के नाम यहाँ से हम देख सकते हैं। इस तरीके से प्रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी। दो जो URL है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक ये और दूसरा फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो URL है, ये दोनों URL डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जहाँ से जाकर आप प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्या आपको प्रेफरेंस किस तरीके से ऐड करने हैं और सेव करके लॉक किस तरीके से करना है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं लॉगिन करना है आपको। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको डालना होता है आपका मोबाइल नंबर जो भी आपने डाल रखा है पहले नीट का फॉर्म भरते समय, यानी आपने नीट काउंसलिंग का जो फॉर्म भरा था वही यूज़र आईडी यहाँ पे आपको डालना है, वही आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना है, नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपने उसके अंदर में ऐड की थी, यानी आपने काउंसलिंग राउंड के लिए जब अप्लाई किया था तो वो फॉर्म भरते समय जो ऐड किया था वही डेटा हम यहाँ पे अपलोड करेंगे और यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसे आपको रीड करना है, पूरी तरीके से पढ़ना है ताकि आप उसके अंदर किसी तरीके की कोई मिस्टेक ना करें। सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं आपको 17 ऑप्शन वहाँ पे दिए गए हैं, वो 17 ऑप्शंस को आप रीड करें अच्छी तरीके से और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे कोई मिस्टेक करते ये इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते तो आपके साथ कोई इशू हो सकता है। अब यहाँ पे डालना है आपको प्रेफरेंस, सबसे पहले हम डाल देते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, जैसा कि जनरली तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस डालने होते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट का परसेंटेज कम है और वो पेमेंट कोटा में एडमिशन लेना चाहता है तो पहले वो प्रेफरेंस प्राइवेट डाले, और अगर उसका परसेंटेज सही अच्छा है यानी उसको 500 के ऊपर मार्क मिले हैं तो और वो ओपन कैटेगरी में है तो उसे गवर्नमेंट कॉलेजेस की नाम ही डालना है और उसके बाद में एस प्रेस करना है। जैसे कि हम यहाँ पे जो भी नंबर डाल रहे हैं वो नंबर के बाद में हमने एस प्रेस करना मैंडेटरी है। एस यानी स्टेट कोटा, एन यानी NRI कोटा, इस चीज़ को याद रखें। हम यहाँ पे 41 वगैरह जो है प्रेफरेंस डाल देते हैं। जैसे कि मैं आपको फास्ट में बता दूं कि किस तरीके से प्रेफरेंस हमने यहाँ पे डाले, वन बाय वन सारे प्रेफरेंस डालने के बाद में आपको सेव सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है, यानी आगे आपको बढ़ना है। यहाँ पे हमने 41 प्रेफरेंस डाल दिए, हमने सेव कर दिया, सेव सबमिट करने के बाद में आपको लॉक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और लॉक प्रेफरेंस बटन पर क्लिक कर देंगे, या फिर फाइनल फिनिश ऑप्शन आता है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। आपको एडिट करना है तो येलो कलर का जो बटन है उस पर हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके सारे प्रेफरेंस यहाँ पे है, आप इसमें से किसी भी प्रेफरेंस को हटा सकते हैं। अब फिर से सेव कर देना है आपको और फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। फिनिश बटन पे क्लिक करने के बाद में लॉक का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इसे हम लॉक कर ओके कर देंगे तो इस तरीके से लॉक हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, इसका एक प्रिंटआउट आप निकाल के रख दें और प्रिंटआउट निकालने के बाद में वो प्रेफरेंस का ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं जो मेरिट लिस्ट में आपको दिखेगा। तो दोस्तों इस तरीके से प्रेफरेंस ऑप्शंस आपको डालने हैं MBBS BDS के लिए और ये सारे ऑप्शंस को आपको केयरफुली डालना है। ये वीडियो मैंने आपको जो स्टार्ट में बताया उसे अच्छी तरीके से देखें, उस वेबसाइट पे जाके पूरी इंस्ट्रक्शन को पढ़े। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।